हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आज 4 अक्टूबर 2018 वार गुरुवार। मेरे प्यारे साथियों, यूवी कंपटीशंस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए। अनअकैडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर मुझे फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। यदि आप रिक्रूटमेंट नोटिस, करंट अपडेट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए यूवी कंपटीशंस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको मोटिवेशनल क्वोट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, करंट अपडेट्स और हेल्प सेंटर आप मैसेज डालिए, मैसेज करिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचार। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस इन न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली असेंबली का उद्घाटन किया। ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट्स ओवन फूड सिक्योरिटी स्कीम टू कवर द पुअर पीपल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्चेज द स्कीम वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट द स्टेट सेक्रेटरेट इन भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने गरीब लोगों को कवर करने के लिए राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB साइंड $240 मिलियन लोन फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर टू अबाउट 1.65 मिलियन पीपल इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल अफेक्टेड बाई आर्सेनिक फ्लोराइड एंड सेलिनिटी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने आर्सेनिक फ्लोराइड और लवणता से प्रभावित पश्चिम बंगाल राज्य के 3 जिलों में लगभग 1.65 मिलियन लोगों को सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल प्रदान करने के लिए $240 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणाज MDU डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बाई HRD मिनिस्ट्री। यूनियन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर अनाउंस द स्वच्छ कैंपस रैंकिंग अंडर वेरियस कैटेगरीज। द रैंकिंग वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे अंडर द स्वच्छ हाई सेवा कैंपेगन। हरियाणा के MDU को HRD मंत्रालय द्वारा स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वच्छ कैंपस रैंकिंग की घोषणा की। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक सर्वेक्षण के आधार पर रैंकिंग का निर्णय लिया गया है। अपॉइंटमेंट नियुक्ति। जस्टिस रंजन गोगोई हैज स्वर्न इज एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एडमिनिस्ट्रेट हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस एट ए फंक्शन इन राष्ट्रपति भवन। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में कार्यालय की शपथ दी है। रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये श्री दीपक मिश्रा जी का स्थान लेंगे। इराक पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड ए वेटरन कुर्डिश पॉलिटिशियन ब्रह्म सलीम एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। ही हैज नेम्ड सिटल अब्देल अब्दुल महादी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। द मूव विल पे द वे टू फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट नियरली 5 मंथ्स आफ्टर नेशनल इलेक्शंस। इराकी संसद ने एक अनुभवी कुर्द राजनीतिक बरम सालो को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। उन्होंने सिया अदेल अब्दुल महदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी नामित किया है। इस कदम से राष्ट्रीय चुनाव के लगभग 5 महीने बाद नई सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। बैंकिंग और बिजनेस न्यूज। बैंकिंग और व्यापार समाचार।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज स्लैश्ड द डेली विदड्रॉल लिमिट ऑन इट्स क्लासिक डेबिट कार्ड फ्रॉम 40,000 टू 20,000. देयर इज नो चेंज इन द डेली विदड्रॉल लिमिट्स ऑन अदर कार्ड्स. द न्यू लिमिट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 31st टू 2018. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्लासिक डेबिट कार्ड पर दैनिक निकासी सीमा को 40,000 रुपये से घटाकर 20,000 रुपये कर दिया है. अन्य कार्डों पर दैनिक निकासी सीमा में कोई बदलाव नहीं है. नई सीमा 31 अक्टूबर 2018 से प्रभावी होगी. ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी हैड लॉन्च्ड ए नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन. उद्यम अभिलाषा इन 150 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड बाई नीति आयोग इन 28 स्टेट्स एंड रीचिंग टू अराउंड 50,000 यूथ. महात्मा गांधी की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने 28 राज्यों में नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशीलता जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा लॉन्च किया था और लगभग 15,000 युवाओं तक पहुँच प्राप्त की है. अलीबाबा एंड सॉफ्टेक बैंक बैक्ड पेटीएम रजिस्टर्ड कवर ओवर 137 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन इन सितंबर, बिकमिंग द लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट्स विद ओवर 33% ऑफ द ओवरऑल मार्केट शेयर. अलीबाबा और सॉफ्टेक बैंक समर्थित पेटीएम ने सितंबर में 137 मिलियन का यूपीआई लेन देन दर्ज किया था, जो एकीकृत बाजार इंटरफेस यूपीआई भुगतान में कुल योगदान के 33% से अधिक के साथ अग्रणी योगदानकर्ता बन गए हैं. अवार्ड्स पुरस्कार. द रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हैड डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2018 विद वन हाफ टू फ्रांसिस एच आर्नोल्ड यूएसए फॉर द डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स एंड द अदर हाफ जॉइंटली टू जॉर्ज पी स्मिथ यूएसए एंड सर जॉर्ज पी विंटर यूके फॉर द फेज डिस्प्ले ऑफ पेप्टिडिस एंड एंटीबॉडीज. रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2018 देने का निर्णय लिया है, जिसमें एंजाइमों के निर्देशित विकास के लिए फ्रांसिस एच आर्नोल्ड यूएसए को दिया गया है और वह यह पुरस्कार पेप्टाइड और एंटीबॉडी के फेज डिस्प्ले के लिए जॉर्ज पी स्मिथ यूएसए और सर ग्रेगरी पी विंटर यूके के साथ संयुक्त रूप से साझा करेंगे. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अलोंग विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन इन न्यू दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रोन के साथ संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम पर्यावरणीय पुरस्कार यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सचिव जनरल लोनियो गुटेरस द्वारा प्रस्तुत किया गया है. स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार. टीनेज शूटिंग स्टार मनु भाकर वाज नेम्ड एज द फ्लैग बैरियर ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द थर्ड यूथ ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड इन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना फ्रॉम अक्टूबर 6 टू 18 अक्टूबर. किशोर शूटिंग स्टार मनु भाकर को 6 से 18 अक्टूबर तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाले तीसरे युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है. द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रिलीज्ड द अपडेटेड वर्जन ऑफ द डकवर्थ लुईस स्टर्न DLS सिस्टम अलोंग विद द न्यू ICC कोड ऑफ कंडक्ट एंड ICC प्लेइंग कंडीशंस. दीज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 13 सितंबर व्हेन द फर्स्ट वनडे बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे वाज प्लेड इन किम्बरले. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC आचार संहिता और ICC प्लेइंग शर्तों के साथ डकवर्थ लुईस स्टर्न DLS प्रणाली के अद्यतन संस्करण को जारी किया है. ये 30 सितंबर से प्रभावी हुआ था, जब दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच किम्बरले में पहला वनडे खेला गया था, एक दिवसीय मैच खेला गया था. ऑस्ट्रेलियन मिडफील्डर माइकल जेदी
नाकने हिज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल ब्रिंगिंग द कर्टेन डाउन ऑन ए 79 कैप कैरियर विच इंक्लूडेड लीडिंग द सॉकर्स एट टू फुट वर्ल्ड कप्स। ऑस्ट्रेलियाई मिडफील्डर माइल जेदी नाक ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, जिसके साथ ही 79 उन्हें 80 मैचों का कैरियर समाप्त हुआ, जिसमें 2 विश्व कप में साक्रू ओस का नेतृत्व शामिल था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की करंट न्यूज़, करंट अपडेट्स, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप फॉलो करें हमें अनअकैडमी पर भी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। थैंक यू सो मच। और PDF डाउनलोड करना ना भूलें, PDF डाउनलोड, PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे लिंक, आपके अनअकैडमी का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक, सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।